हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, एक औरत को अपनी वाइफ को तैयार करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले यही हम जानेंगे, तैयार करना क्यों ज़रूरी है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं ना, क्यों तैयार करना ज़रूरी है, क्यों हम मतलब वाइफ को फोर प्ले करें, क्यों नहीं डायरेक्ट जाके इंटीमेट हों। तो पहले ये जान लो, जैसे एक लड़का है ना, वो पूरी तरह से अराउज होता है, एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है, उनका प्राइवेट पार्ट जो है वो पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही एक महिला जब तैयार होती है, उसकी बॉडी जो रेडी होती है, तो क्या होता है, वहाँ उसके प्राइवेट पार्ट से एक तरल पदार्थ निकलता है, जो निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ फोरप्ले नहीं करोगे, थोड़ा सा प्यार नहीं करोगे इंटीमेट होने से पहले, फिजिकल होने से पहले, तो क्या होगा, आपकी वाइफ तो रेडी हुई नहीं है, तो उनका जो प्राइवेट पार्ट होगा वो पूरी तरह से ड्राई होगा। ठीक है, और वैसे में अगर आप फिजिकल होते हो तो वहाँ पे उस तरीके से आप फील नहीं कर पाओगे, और ना ही आपकी वाइफ को भी अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने के कारण वहाँ पे कट लग सकता है, बाद में करने के बाद रेसेस भी पड़ सकते हैं, जलन हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है इन्फेक्शन भी हो। तो यहाँ पे इसलिए ही ज़रूरी है कि आप फिजिकल होने से पहले अपनी वाइफ को 5 मिनट या 10 मिनट का फोरप्ले ज़रूर दो। फोरप्ले आप देते हो तो प्राकृतिक लुब्रिकेट उनके प्राइवेट पार्ट से पास होता है, जिससे अगर इसके बाद आप इंटीमेट होते हो, फिजिकल होते हो, तो आपका जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। ठीक है, तो ऐसे में कभी भी जो महिला है उसको दर्द नहीं होता है, और ना ही कोई इन्फेक्शन होता है, और ना ही वहाँ पे उसको मतलब जलन की समस्या होती है। तो इसलिए आपको एक फीमेल को, अपनी वाइफ को मतलब तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो ना, तो उससे पहले अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो और वहाँ पर ड्राई है, तो आपको ल्यूब का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी वाइफ को दर्द ना हो, और ना ही कोई वहाँ पे कट रेसेस या इन्फेक्शन होने का डर। दूसरा चीज़ है, सेक्स के दौरान गीला होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गीला होना आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसका ये प्रतीक है कि वो मतलब फिजिकल होने के लिए एक्टिवेट है, तैयार हो गई है। और जब आप इंटीमेट होते हो ना, तो ये प्राकृतिक लुब्रिकेट जो होता है ना, वो आपके सेक्स को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को करने में हेल्प करता है। एक चीज़ आप ये बताओ, जैसे आप तैयार होते हो तो आपका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आप रेडी ना हो तो फिर आपकी वाइफ कहते रहेगी हाँ करो करो, तो फिर आप कैसे करोगे, आपका प्राइवेट पार्ट तो खड़ा ही नहीं रहेगा ना। आप तैयार नहीं हो इसलिए आपका प्राइवेट पार्ट खड़ा नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही एक महिला जब रेडी होती है ना, तो उसके नीचे से प्राकृतिक जो लुब्रिकेट निकलता है वो इस चीज़ का साइन है कि वो तैयार हो गई है। ठीक है, और अगर वो तैयार नहीं होगी, ठीक, तो वो केवल आपके साथ इस चीज़ को परफॉर्म कर रही है, बस आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बस वो अपनी ड्यूटी निभा रही है, आप कह रहे हो इसलिए वो कर रही है। ठीक है, और इसीलिए अपनी वाइफ को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके साथ पार्टिसिपेट कर पाए, और जैसे आप इंजॉय कर रहे हो ना, वो भी आपके साथ इंजॉय कर पाए। आई होप हमारी बातें समझ में आ रही होगी, ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं ऐसे कुछ और वीडियो के साथ। ओके बाय।